9 लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। बता दें सोनाली फोगाट के केस में सीबीआई के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। सफलता ये है कि सोनाली फोगाट के केस में मुख्य आरोपी कहा जाने वाला सोनाली का पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान ने अब सीबीआई के आगे पूरा काला चिट्ठा खोल दिया है। उसने सब कुछ बता दिया है कि आखिरकार क्या हुआ 22 अगस्त की रात, जिसके बाद सोनाली फोगाट इस दुनिया को छोड़ गई। क्या हुआ उस पूरी रात का घिनौना कांड सीबीआई के सामने खोल दिया है। इसके साथ कई ऐसी और भी चौंकाने वाली बातें बताई है पर्सनल असिस्टेंट ने, जिससे सुनकर सीबीआई के भी होश उड़ गए हैं। ऐसा क्या जानता है पर्सनल असिस्टेंट और आखिरकार क्या गोवा पुलिस की ओर से कोई कमी बरती गई, कोई लापरवाही बरती गई, जो ये चौंकाने वाली चीजें सीबीआई को मिल रही है गोवा पुलिस के हाथ नहीं लगी। इसके साथ एक बड़ा सवाल गोवा पुलिस पर एक बार फिर से उठ रहा है। वो सवाल उठ रहा है सोनाली फोगाट के मोबाइल फोन को लेकर। बता दें सोनाली फोगाट के केस में जब गोवा पुलिस छानबीन कर रही थी, उस वक्त गुड़गांव के फ्लैट से गोवा पुलिस को सोनाली फोगाट का मोबाइल फोन और पासपोर्ट मिला था। पासपोर्ट पर तो कार्रवाई हुई, लेकिन सोनाली फोगाट का आखिरकार मोबाइल फोन, उसका पासवर्ड अभी तक भी गोवा पुलिस को नहीं पता, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। जिसके बाद सीबीआई ने यह सवाल उठाया कि 22 दिन इस केस को गोवा पुलिस हैंडल कर रही थी और जो सबसे बड़ा सबूत हो सकता था इस केस में सोनाली फोगाट का मोबाइल फोन, वो मोबाइल फोन खोलना तो छोड़िए, उसका पासवर्ड तक गोवा पुलिस को नहीं पता। क्या इस एक बात से लापरवाही लगातार जो रट लगा रहा था सोनाली फोगाट का परिवार गोवा पुलिस को लेकर, क्या ये एक सवाल का जवाब इस पर मोहर लगा रहा है, सच्चाई बयां कर रहा है? और आखिरकार क्या कहा है सुधीर सांगवान ने सीबीआई के सामने? क्या घिलौना राज उगला है आज के इस प्रोग्राम में, इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए बिना देरी किए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सोनाली फोगाट के केस की शुरुआत होती है 22 अगस्त की उस घिनौनी रात से, जब सोनाली फोगाट के पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान और उसका साथी सुखविंदर सिंह सोनाली के खिलाफ वो घिनौनी साजिश रचता है और साथ ही उसे अंजाम भी देता है। तो जी हाँ, 23 अगस्त की सुबह सुबह ये खबर आती है कि टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया। ये खबर ने हर कहीं पर सनसनी फैला दी। लेकिन अब जिस तरह से सोनाली फोगाट के केस में गोवा पुलिस ने जांच की रफ्तार तेज की, तो सामने आया कि सोनाली का निधन कार्डियक अरेस्ट के चलते नहीं, बल्कि यहाँ पर एक गहरी साजिश के चलते हुआ है। यानी कि गोवा पुलिस ने यह साफ कर दिया कि सोनाली फोगाट के खिलाफ गहरी साजिश रची गई है और यहाँ पर उनका निधन कार्डियक अरेस्ट के चलते नहीं हुआ। परिवार भी लगातार यही सवाल उठाता रहा कि सोनाली को इंसाफ मिले, इसके लिए केस सीबीआई को सौंप दिया जाए। करीब 22 दिनों तक गोवा पुलिस इस केस की छानबीन करती है। सुधीर सांगवान, उसके दोस्त सुखविंदर सिंह, कर्लिस रेस्टोरेंट के मालिक एडविन नूज समेत ड्रग सप्लायर यानी कि कुल 5 आरोपियों को हिरासत में भी लिया जाता है। इस दौरान सुधीर सांगवान का कन्फेशन भी सामने आता है, जिसमें वो ये बात कबूलता है कि सोनाली फोगाट को उसने ड्रग दिया। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट तो सीबीआई को दिए कन्फेशन में आया जब सुधीर सांगवान ने यह राज खोला कि सोनाली ने ही मांग की थी ड्रग्स की, जिसके बाद वो ड्रग सप्लायर उर्फ होटल ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट के वेटर रामदास दत्ता से मिलता है और 12,000 की ड्रग्स खरीदता है, जिसके बाद सोनाली होटल के उसी कमरे में खुद अपनी मर्जी से ड्रग्स का सेवन करती है। ये कहना है सोनाली के पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान का। सुधीर सांगवान आगे बताता है कि सोनाली वहीं नहीं रुकती, बल्कि कर्लिस क्लब में जाने के बाद, डांस करने के बाद भी वो फिर से ड्रग्स लेती है, जिसके बाद उसे ड्रग्स का नशा इस कदर चढ़ जाता है कि उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं।
जब ये सारी हिनौनी बातें सीबीआई के सामने आई तो सीबीआई के होश ही उड़ गए कि आखिरकार केस तो पूरी तरह से उलट गया है। यहाँ पर तो परिवार यही इल्जाम लगा रहा था कि सोनाली फोगाट को धोखे से या यूं कहें कि जबरदस्ती ड्रग्स दिया गया है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि अगर सोनाली फोगाट का निधन ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हुआ है तो क्या इस केस में सुधीर बेगुनाह है? जी नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि सुधीर ने कन्फेशन के आगे के स्टेटमेंट में तो होश उड़ाने वाला खुलासा किया है। यहाँ पर सुधीर ये भी बताता है कि किस तरह से इससे पहले भी कई बार वो अपने साथी के साथ मिलकर सोनाली फोगाट के खिलाफ ये साजिश रच चुका था। हालांकि कई बार कोशिश की लेकिन इस साजिश को अंजाम नहीं दे पाया, लेकिन फाइनली 23 अगस्त की सुबह या यूं कहें 22 अगस्त की रात उस घिनौनी साजिश को अंजाम देने में कामयाब हो जाता है पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार क्या इस केस में सिर्फ सुधीर सांगवान ही है असली गुनेगार? परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि सुधीर सांगवान तो केवल एक मोहरा है, इस पूरी साजिश के पीछे किसी और बड़े चेहरे का हाथ है। आखिरकार किस ओर इशारा कर रहा है परिवार? क्या परिवार यहां पर सोनाली फोगाट के खिलाफ हुई साजिश में राजनीतिक चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है? हम सभी जानते हैं कि सोनाली फोगाट केवल एक टिकटॉक स्टार या फिर एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की नेत्री भी रह चुकी थी। लगातार जिस तरह से सोनाली फोगाट केस में परिवार राजनीतिक एंगल जोड़ने की कोशिश कर रहा है, अब देखने वाली बात तो ये भी है कि आखिरकार जब सीबीआई हर एंगल से छानबीन कर रही है तो आखिरकार अभी तक किसी राजनेता से सोनाली फोगाट के केस में पूछताछ क्यों नहीं की गई? आखिरकार जो सवाल यहाँ पर सीबीआई को लेकर परिवार उठा रहा था, क्या जल्द ही वो सवाल सीबीआई पर भी उठने वाला है? क्या सीबीआई भी यहाँ पर कोई चीज छुपाने की कोशिश कर रही है? हालांकि अगर सीबीआई की यहाँ पर छानबीन की रफ्तार को देखें तो एक बात तो साफ है कि सीबीआई इस केस को काफी ज्यादा सीरियसली ले रही है। यही वजह है कि सीबीआई ने 3D मैपिंग, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का भी इस्तेमाल सोनाली फोगाट के केस को सुलझाने के लिए किया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार सोनाली फोगाट के पीछे हुई साजिश के पीछे और कौन कौन शख्स शामिल हैं और आखिरकार इनका पर्दाफाश कब किया जाएगा? देखा आपने किस तरह से फाइनली अब सीबीआई के हाथ सुधीर सांगवान का कबूलनामा लग चुका है। सोनाली फोगाट के केस को लेकर ऐसे सवालों में फंस चुका था सुधीर सांगवान, के कन्फेशन तो उसे देना ही था। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब सीबीआई के हाथ सोनाली का मोबाइल फोन लग चुका है, सुधीर का कन्फेशन लग चुका है, तो अब आखिरकार इस केस में अगला क्या नया मोड़ आता है? क्या सुधीर सांगवान के कन्फेशन के बाद अब किसी और पर भी सीबीआई की गाज गिरने वाली है? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइफ। नमस्कार।